कैंडल विक रिजेक्शन को कैसे ट्रेड करते हैं चलिए जानते हैं डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं नेक्स्ट दो कैंडल्स में सेलर्स एक बार फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं लेकिन लोअर लेवल्स पर प्राइस रिजेक्शन फेस करने से लॉन्ग विक कैंडल्स बनाते हुए सपोर्ट के ऊपर क्लोज करती है इसका मतलब यहाँ सेलर्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं और बायर्स मार्केट में डोमिनेंट पोजिशन में है इस सिचुएशन में अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए प्रीवियस कैंडल हाई को ब्रेक करती है तो आप सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं